नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक कुमार सिंह और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विक्टिक पर। वीडियो में बात करने वाले हैं हम KNIT सुल्तानपुर के बारे में, यानी कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सुल्तानपुर कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए जो यूपी सेट की काउंसलिंग हुई थी 2021 में, जेई मेंस के रैंक पर कितने रैंक पर जो है कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिला था, इसके बारे में बात करेंगे हम। चार राउंड के बारे में देखेंगे, चार राउंड के ओपनिंग क्लोजिंग में देखेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर यूपी सेट 2022 जेई मेंस के रैंक पर हुआ तो आपको कितना रैंक जेई मेंस में लाना पड़ेगा, जिससे कि आपको KNIT का कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल सके आपके अपने कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले राउंड के लिए, मैं यहाँ पर इसको जो है कि कर रखा है पहले राउंड में। तो यहाँ पर आपको पहले राउंड के लिए आपको ऑल इंडिया कैटेगरी मतलब कि AIR जो रैंक है उसके बेस्ड पर होने वाला है। ऐसा नहीं कि आपके कैटेगरी रैंक पर होने वाला है कि मैं OBC हूँ तो OBC कैटेगरी का रैंक लगा दूँ, या फिर SC कैटेगरी का हूँ तो SC कैटेगरी रैंक के हिसाब से यहाँ पर देखूँ, तो ऐसा आप ओपनिंग क्लोजिंग रैंक नहीं देख पाएंगे। तो आपका जो AIR रैंक है उसी के आधार पर ही ओपनिंग क्लोजिंग रैंक बना हुआ है, तो उसी के आधार पर आपको देखना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कंप्यूटर जो कमला नेहरू का जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है उसके जो बैकवर्ड क्लास, अगर आप मान लीजिए आप कैटेगरी के हैं यहाँ पे, अगर आप गर्ल स्टूडेंट हैं तो आपको जो होम स्टेट कोटा के अंदर आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा, आपको देखिए यहाँ पर 43 से 60 हज़ार के बीच में जो है कि आपको रैंक लाएंगे, तो आपका जो अगर आप गर्ल कैटेगरी गर्ल स्टूडेंट हैं और बैकवर्ड क्लास कैटेगरी के हैं तो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। फिर उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए आप बैकवर्ड क्लास के जो है कि स्टूडेंट हैं तो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा रैंक आपको लाना पड़ेगा 41 से 47 हज़ार के बीच में। अगर मान लीजिए आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो आपको लिए 5 लाख के लगभग भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। फिर अब बात करते हैं हम जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए, तो यहाँ पर अगर आप EWS पे लेने वाले हैं तो आपको 42 से 44 हज़ार के बीच में लाना पड़ेगा। अगर आप फ्रीडम फाइटर के जो मतलब कि अगर घर से हैं या फिर इस तरीके के जो रिजर्वेशन लेना चाहते हैं तो आपको 52 से 52 हज़ार के लगभग रैंक जो मिला था कॉलेज कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिला था इस बार। फिर उसके बाद देखिए, अगर आप मान लीजिए आप यहाँ पर ओपन फ्रीडम फाइटर कैटेगरी के हैं तो यहाँ पर 80 हज़ार के लगभग यहाँ पर आपको मिलने वाला है। फिर यहाँ पर अगर मान लीजिए आप ओपन कैटेगरी मतलब कि जनरल कैटेगरी के यहाँ पर ओपन है तो यहाँ पर देखिए होम स्टेट में आपको गर्ल्स के लिए चाहिए 34 से 40 हज़ार के बीच में, और अगर आप ऑल इंडिया अदर स्टेट से हैं तो आपको थोड़ा सा और अच्छा रैंक चाहिए 24 से 35 हज़ार के बीच में। तो इस हिसाब से आप पूरा जो है कि डिटेल में देख सकते हैं। फिर यहाँ पर अगर आप SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि अगर तो यहाँ पर आपको मतलब कि यहाँ पर मिल जा रहा है 13 लाख के लगभग भी यहाँ पर मिल जा रहा है। SC के जो स्टूडेंट हैं वहाँ पर आपको 1 लाख से लेकर यहाँ पर देखिए पूरा मतलब कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो रैंकिंग आपका एडमिशन हो जा रहा है, तो इसमें आप पूरा एक डिटेल में देख लीजिएगा। फिर और भी जो नीचे ब्रांचेज हैं आप उसको भी देख सकते हैं पूरी डिटेल में, मैंने PDF दे रखा है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, जो भी एक्टिव का टेलीग्राम ग्रुप है उस पर आपको देखेंगे तो आपको चारों राउंड के लिए जो है कि PDF मिल जाएंगे, जिससे कि आप आराम से देख सकते हैं। तो जो ये आपका जो रैंक होने वाला है, समझ लीजिए ये आपका रैंक जो है ये आपका AIR रैंक के बेसिस पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आपको देखिए वहाँ पे आपको पहले राउंड पे यहाँ पर दे रखा है मतलब पहले पेज पे यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग रैंक रिप्रेजेंट जेई मेंस बेस्ड ऑल इंडिया रैंक। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको अपने कैटेगरी रैंक के हिसाब से देखना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दूसरा राउंड के लिए दिखाता हूँ KNIT सुल्तानपुर के कंप्यूटर साइंस के लिए। दोस्तों, ये दूसरे राउंड के लिए ओपनिंग क्लोजिंग रैंक होने वाला है, तो यहाँ पर देखिए ये रूलर वेटेज है, इसको आपको उतना ध्यान नहीं देना। आपका मेन जो ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है इस कैटेगरी का होने वाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं KNIT के लिए मैंने वो कंप्यूटर साइंस के लिए ओपन कर रखा है। मैं इसको जूम कर लेता हूं और इसको जिससे कि आपको आसानी से दिखे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है कि ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए है, और यहाँ पर ओपन कैटेगरी के लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए, SC ST के लिए है, और भी मतलब कैटेगरी के लिए जितनी भी कैटेगरीज है यहाँ पर दे रखा है कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। तो आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके ज़रूर देखिए, चेकआउट कीजिए कितना आपका रैंक होने वाला है, और भी ब्रांचेज के लिए भी आप चेक कर सकते हैं PDF में जाकर, क्योंकि वीडियो लंबा बहुत हो जाएगा इसलिए मैं मतलब हर ब्रांच के लिए नहीं समझाना चाहता। ठीक है, तो आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए मैं तीसरा राउंड के लिए ओपन करता हूँ। दोस्तों, ये तीसरे राउंड का ओपनिंग क्लोजिंग रैंक होने वाला है कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको अगर इतने रैंक पर आपको यूपी सेट में काम मिला था कंप्यूटर साइंस ब्रांच, तो अलग अलग कैटेगरी के लिए आप इसमें वीडियो को पॉज करके ज़रूर देख लीजिएगा कौन कौन सी कैटेगरी के लिए तीसरे राउंड में आपको मिला था कंप्यूटर साइंस ब्रांच। तो यहाँ पर देखिए FW के लिए भी दे रखा है, अगर FIVAR के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको जो है कि ओपनिंग क्लोजिंग रैंक मिल जाता है। तो चलिए मैं चौथे राउंड को दिखाता हूँ। दोस्तों, अगर बात करें हम चौथे राउंड के लिए, तो इस तरीके से रैंक लाने पर 2021 में जो है कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिला था चौथे राउंड में KNIT में। तो इसको भी आप मैं जूम कर देता हूं, आप इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, मैं पूरा समझाने लग गया तो पूरा जो है कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा जाएगा, और आप एक बार पॉज करके देख लेंगे तो आपको जो है सही रहेगा। ठीक है,
यहाँ पर आप TFW के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर अदर कैटेगरी के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर आपका कोटा दे रखा है जो ऑल इंडिया के लिए, यहाँ पर आपकी कैटेगरी दे रखी है, तो आप इस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस ब्रांच की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक के चौथा राउंड है। और दोस्तों बता दूं कि ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि JEE मेंस का जो है काउंसलिंग बहुत बाद में हुआ था, तो इसलिए बहुत बच्चे जो है कि UP सेट में काउंसलिंग करा लिए उन्हें, लेकिन हो सकता है कि 2022 में अगर JEE मेंस पहले काउंसलिंग कराता है तो यहाँ पर बच्चे जो है कि रैंक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी आपको मतलब थोड़ा ख़राब रैंक पर भी आपको ये बढ़िया बढ़िया ब्रांचेज मिल जाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। और साथ ही साथ बता दूँ इसके अलावा दो और राउंड होते हैं जब सीट वैकेंट हो जाता है, तो उसमें भी मतलब किस होते हैं जैसे 6th राउंड 7th राउंड में जो है सीट बहुत वैकेंट हो रहते हैं, तो वहाँ पर भी आपका काउंसलिंग होने वाला है। तो अपना होप जो है मत हारिए, अपना जो काउंसलिंग कराइए, आपको जो सीट मिलना होगा अपने रैंक चॉइस कीजिए, बढ़िया से आपको उचित चीज मिल जाएगा। दोस्तों बताइए आपको वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।